Good morning, students. Welcome to environment class standard 4. We will continue our chapter 25, spicy rattle. Spicy rattle कैसा chapter है? एकदम ही मसालेदार है ना? तो ये chapter में spicy rattle मतलब गरम मसाले जो होते हैं हमारे उसके ऊपर ये chapter है. वो कहाँ पे ज़्यादा grow होते हैं? उसका taste कैसा होता है? किस food में, किस खाने में, recipe में हम वो use करते हैं? वो सारी चीज़ें हमने इस chapter से सीखी. ओके, ऑलरेडी 2 पीरियड यहाँ पे हो गए हैं, ये 3rd पीरियड है. तो मैंने क्वेश्चन आंसर लिखाने स्टार्ट कर दिए हैं, तो हम वही कंटिन्यू करते हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्ट टाइम. तो यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में चार्ट दिया हुआ है कि आपको चार्ट प्रिपेयर करना है. ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट टेबल, नेम ऑफ द स्पाइस, नेम ऑफ द स्पाइस, फिर उसकी जो टच, वो टच करने में कैसा है, स्मूथ है, रफ है, कॉर्ड है, किस तरह का उसका सरफेस है, एंड देन स्मेल, तो उसकी स्मेल कैसी है. ओके, तो बहुत सारे स्पाइसेस ऐसे होते हैं जिसकी स्मेल एकदम ही स्ट्रांग होती है, एकदम ही स्ट्रांग, जैसे पता ही चल जाता है कि यस ये ही स्पाइस है. जैसे हम हलवा बनाते हैं, कोई भी हलवा बनाते हैं, तो हलवे में अगर हमने क्या डाल दिया कि सिनेमन डाल दिया, तो मतलब इलायची डाली, तो उसकी स्मेल एकदम अलग से आती है, एकदम ही मीठी मीठी सी स्मेल आती है और स्ट्रांग स्मेल आती है. वैसे ही कार्डेमम जो है, मतलब दालचीनी जो है, वो अगर हमने किसी में डाला है तो उसकी स्मेल भी एकदम ही बढ़िया सी आती है. तो वो स्मेल कैसी है, उसका टच कैसा है, टच करने में कैसा है, वो हमें टेबल कंप्लीट करना था. ओके, तो हाँ मैंने यहाँ पे लिख के रखा है. फर्स्ट है गार्लिक. गार्लिक का मैक्सिमम हम लोग गार्लिक बहुत सारे वेजिटेबल्स में, ये 3 चीजें जो है, गार्लिक, रेड चिली एंड जिंजर. ग्रीन चिली भी आता है, बट मैंने यहाँ पे रेड चिली लिखा है. तो गार्लिक, रेड चिली एंड जिंजर जो है, वो हम एवरी वेजिटेबल्स में, एवरी सब्जी में डालते ही है. तो उसका सरफेस कैसा है, उसका टच कैसा है, एंड देन उसकी स्मेल. तो फर्स्ट मैंने लिखा है गार्लिक. तो गार्लिक का टच कैसा है, तो कर्ड सरफेस है. कर्ड मतलब गार्लिक कैसी होती है, अनइवन सरफेस, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट है. ओके, उसका अनइवन सरफेस है, तो आप कर्ड सरफेस लिख सकते हो क्योंकि वो टर्न हुआ होता है. ओके, तो यहाँ पे कर्ड सरफेस है, एंड देन उसकी स्मेल कैसी है, तो एकदम ही स्ट्रांग है. गार्लिक की स्मेल एकदम ही स्ट्रांग होती है. आप गार्लिक ब्रेड खा लो, या फिर गार्लिक अगर आपने अपने हाथों से उसे क्लीन किया है, तो वो स्मेल आपके हाथों में पूरे दिन रहती है. अगर आप प्रॉपर हैंड वॉश कर लोगे ना, फिर भी उसकी कहीं ना कहीं उसकी स्मेल आती ही है. अदरवाइज आपने कभी गार्लिक की पेस्ट बना के जो भी बाउल में रखा है, प्लास्टिक के बाउल में, अगर आपने ग्लास का बाउल हो या फिर स्टील का बाउल हो, तो वो धो देने के बाद उसमें उसकी स्मेल चली जाती है. बट प्लास्टिक के बाउल में अगर आपने उसकी पेस्ट रखी है, तो उसकी स्मेल बहुत दिनों तक जाएगी ही नहीं. वो जब भी आप खोलोगे, आपको पहले गार्लिक की स्मेल ही आएगी. तो गार्लिक की स्मेल जो है, एकदम ही स्ट्रांग स्मेल है, जैसे ओनियन की स्मेल भी एकदम स्ट्रांग है. और गार्लिक की पेस्ट या गार्लिक की चटनी वाला कुछ भी आपने खाया है ना, तो आपके मुंह से भी वो स्मेल आती ही रहेगी कि यस, इसने गार्लिक की कोई चीज़ खाई हुई है. तो एकदम ही स्ट्रांग स्मेल है उसकी. देन नेक्स्ट है रेड चिली. तो रेड चिली टच करने में एकदम ही स्मूथ है ना, स्मूथ है. देन वो उसका टेस्ट कैसा है, सॉरी स्मेल कैसी है, तो स्पाइसी एंड स्ट्रांग स्मेल. तो रेड चिली की भी स्पाइसी एंड स्ट्रांग स्मेल, जब मम्मी रेड चिली किसी में डालती है, तो एकदम ही वो झोंक की स्मेल आ जाती है. समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि अगर गैस की फ्लेम ज़्यादा हो, तो हम सबको घर में क्या आ जाती है, खांसी भी आ जाती है ना. तो उसकी एकदम ही स्पाइसी एंड स्ट्रांग स्मेल है. देन नेक्स्ट 3rd नंबर पे है जिंजर. तो जिंजर का सरफेस कैसा है, तो रफ है, वो अनइवन है ना. ऐसा नहीं कि वो सर्कल ही है, ओवल शेप है, या रेक्टेंगल या स्क्वायर, ऐसा कोई भी शेप नहीं है, वो अनइवन शेप है, सेफ सॉरी अनइवन शेप है. तो उसका रफ सरफेस क्या है, रफ. एंड उसकी स्मेल कैसी है, तो लाइट है, क्योंकि हम बेसिकली उसे पेस्ट बना के यूज करते हैं, तो इसकी इतनी है बहुत ही स्ट्रांग. अगर आप जिंजर को टी में, मॉर्निंग में सब लोग टी में जिंजर का पेस्ट डालते हैं, जिंजर डालते हैं, तो चाय एकदम से बढ़िया सी
अच्छी लगती है, सबको बहुत पसंद होती है जिंजर वाले की। तो वो जिंजर वैसे उसकी स्ट्रॉन्ग है, बट इतना भी अकॉर्डिंग टू गार्लिक एंड रेड चिली, अकॉर्डिंग टू जिंजर का थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्मेल इतनी नहीं होती, इसलिए यहाँ पे स्मेल जो है वो लाइट स्मेल। ओके, देन नेक्स्ट है सिनेमोन। सिनेमोन मतलब इलायची। तो इलायची जो है वो स्मूथ होती है, मगर आप ऊपर का उसका जो छिलका जो है वो थोड़ा सा रफ लगता है, बट वो स्मूथ होती है। ओके, तो स्मूथ जो टच है उसका स्मूथ, एंड उसकी स्मेल कैसी है, तो स्वीटनेस होती है उसकी स्मेल में, एक स्वीटनेस होती है एंड स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, कि कहीं से भी पता चल जाता है कि हाँ किसी चीज़ में इलायची डाली हुई है, एकदम ही स्ट्रॉन्ग स्मेल है एंड स्वीट स्वीट स्मेल है। देन नेक्स्ट है कार्डेमोन। कार्डेमोन मतलब दालचीनी। तो दालचीनी भी स्मूथ है, वो एक स्टिक जैसा होता है, छोटी छोटी स्टिक होती है एंड स्मूथ उसका टच रहता है, एंड देन उसकी स्मेल भी सेम इलायची, बट दोनों का डिफरेंट है। वो स्मेल आने से पता चल जाता है कि यस ये कार्डेमोन है एंड ये सिनेमोन है। ओके, सिनेमोन है एंड ये कार्डेमोन है, तो वो समझ में आ ही जाता है स्मेल से। तो दोनों की स्मेल एक मीठी मीठी सी है एंड स्ट्रॉन्ग भी है। ओके, ये आप चार्ट कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन आंसर लिखते हैं। ओके, मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ। क्वेश्चन आंसर तो हमारा, आई थिंक मैंने 3 क्वेश्चन लिखा दिए थे, बट ये चार्ट फिर बीच में मुझे पूरा रब करना पड़े, इसलिए मैंने पहले चार्ट करा दिया, अब हम क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू लेते हैं। हमने लास्ट क्वेश्चन लिखा था, क्वेश्चन नंबर 3 कि जो ऐसा कौन सा स्पाइसेस है जो स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स दोनों में यूज होता है, तो वो हमने केसर, ओके, सैफ्रन एंड लिखा था यही कार्डेमोन, ओके, इलायची, ओके, तो वो हम दोनों में यूज करते हैं, खीर में भी यूज करते हैं एंड बिरयानी में भी यूज करते हैं। ओके, देन उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, फाइंड आउट व्हाट इज पुट इन टू, फाइंड आउट What is put into, find out what is put into food to make it food to make it food to make it taste sharp. सॉल्ट का मतलब क्या होता है, खट्टा। ओके, तो फाइंड आउट व्हाट इज पुट इनटू फूड टू मेक इट टेस्ट, सॉरी टेस्ट की जगह मैंने इसके लिए टेस्ट, ये एस टी टेस्ट सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब क्या होता है, सॉल्ट का मतलब होता है खट्टा, स्वीट मतलब मीठा, सॉल्टी मतलब, सॉल्टी का मतलब ज्यादा नमक वाला, फिर बीटर मतलब कड़वा एंड सॉल मतलब खट्टा, है ना। तो ये टेस्ट है हमारे, कौन कौन से होते हैं, खट्टा मीठा तीखा, है ना, खट्टा मीठा तीखा कड़वा, तो ये सारी चीजें, तो खट्टा मतलब सॉल। तो ऐसे कौन सी चीजें डालने से जो भी हमारा फूड है वो सॉल होगा, मतलब खट्टा बनेगा, तो वो हम लेमन डाल सकते हैं ना, लेमन जूस डालते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं विनेगर, विनेगर डालेंगे, विनेगर, फिर लेमन जूस, लेमन जूस, फिर टर्मरिक, टर्मरिक मतलब इमली, मैंने ब्रैकेट में जो लिखा है वो उसका हिंदी नेम है। ओके, इमली
powder or dry mango, mango powder मतलब आमचूर, आमचूर पाउडर, ओके ड्राई मैंगो पाउडर दैट मीन्स आमचूर पाउडर इज पुट इन टू फूड टू इज पुट इन टू फूड टू मेक इट टेस्ट सॉल्ट make it salt okay salt matlab khatta taste okay five number find out whether any spices find out whether any spices spices are grown spices are grown in your area in your area write their names write their ग्रो होते हैं ओके तो वो हमें लिखना है यस देयर इज अ यस देयर इज क्यूमिन क्यूमिन मतलब जीरा क्यूमिन फेनल एपी बाकी हम स्पाइसेस में चिली लिख सकते हैं चिली एक्सेट्रा ग्रो ग्रो ग्रोइंग इन माय ग्रोइंग इन माय कोर्टयार्ड यहाँ पे क्या है कि कहाँ पे ग्रो हो रहा है हम यहाँ पे एरिया लिखते कोर्टयार्ड नहीं लिखते क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा था कि केरला में कुट्टन जो है उसके घर के पीछे ही ये सारी चीजें उगती थी ओके बट हम यहाँ पे वो नहीं लिख रहे हम हमारे एरिया के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं जैसे हमारा अहमदाबाद है तो अहमदाबाद के जो बाकी सारे विलेजेस है वहाँ पे ये सारी चीजें ग्रो हो जाती है तो हम वो लिख देते ओके मैं क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ फोर नंबर का क्वेश्चन है फाइंड आउट व्हाट इज पुट इनटू फूड टू मेक इट टेस्ट सॉल्ट तो ऐसे फूड का नाम लिखिए ऐसे जो जिससे फूड ऐसा फूड सॉल्ट मतलब खट्टा टेस्ट जिससे हमें मिलता है तो वो है विनेगर विनेगर आप सबको पता ही है विनेगर क्या होता है व्हाइट विनेगर भी होता है एंड ब्लैक विनेगर भी होता है तो विनेगर मैक्सिमम हम लोग किस में यूज करते हैं तो विनेगर चाइनीज आइटम जो हम बनाते हैं चाइनीज फूड जो बनाते हैं उसमें विनेगर यूज करते हैं बाकी अदर थिंग्स में भी अदर फूड में भी हम विनेगर यूज करते हैं फिर लेमन जूस तो कोई भी खाना है उसमें खट्टा टेस्ट लाना है तो नॉर्मली अगर विनेगर नहीं होता है तो हम लेमन जूस यूज कर सकते हैं फिर टमरिंड टमरिंड मतलब इमली तो इमली भी यूज करते हैं और ड्राई मैंगो पाउडर चाट मसाला होता है वो भी खट्टा मीठा होता है फिर सॉरी खट्टा एंड सॉल्टी होता है फिर मैंगो ड्राई मैंगो पाउडर मतलब आमचूर पाउडर तो हम मैक्सिमम जो चाट बनाते हैं उसमें आमचूर पाउडर डाल देते हैं इज पुट इन टू फूड टू मेक इट टेस्ट सॉल्ट तो उससे क्या हो जाता है कि टेस्ट हमारा एकदम ही
चटपटा सा हो जाता है ना, तो विनेगर, लेमन जूस, टमरी और ड्राई मैंगो पाउडर इज पुट इनटू फूड टू मेक इट टेस्ट सॉर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड आउट वेदर एनी स्पाइसेस आर ग्रो इन योर एरिया, राइट देयर नेम। आपके एरिया में किस तरह के स्पाइसेस ग्रो होते हैं, तो हमें हमने इसी चैप्टर में देखा है कि क्यूमिन सीड मतलब जीरा जो है गुजरात में सबसे ज्यादा होता है, तो हम यहाँ पे वो यूज कर लेते हैं जीरा। देन फेनल, फेनल मतलब सौंफ भी बहुत जगह पे ग्रो होती है। चिली आप एक्स्ट्रा, आपको पता है मस्टर्ड या ऐसा कुछ, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे यस देयर इज अ क्यूमिन, फेनल, चिली एक्सेट्रा ग्रोइंग इन माय एरिया, हमारे एरिया में। यहाँ पे हम जैसे ये क्वेश्चन जो है वो किसके रिलेटेड है, तो जो कुत्तन जो था उसके कोर्ट यार्ड में मतलब उसके घर के पीछे जो स्पेस है वहाँ पे ही ये सारी चीजें वो लोग स्पाइसेस ग्रो करते हैं। बट यहाँ पे हमारे यहाँ इस तरह के मसाले ग्रो नहीं होते, जो ब्लैक पेपर होता है वो सब केरला साइड ज्यादा होता है। ओके, हमारे साइड क्या ज्यादा ग्रो होता है, तो क्यूमिन सीड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, मैं ये रॉप कर देती हूँ। ओके, इस साइड का पहला रॉप करूंगी, सिक्स नंबर। गरम मसाला क्या होता है? ओके, गरम मसाला में सिक्स नंबर, तो गरम मसाला थोड़ा सा डाल दिया तो आपका
कोई भी फूड है उसका टेस्ट एकदम ही अच्छा सा आ जाता है। ओके नेक्स्ट लिखते हैं Did you enjoy the, यहाँ पे अभी पोटैटो चाट का रेसिपी दी थी है ना कि पोटैटो चाट कैसे बनाना है, तो क्या ये मैं ओरली ही आपको आंसर बता देती हूँ। Did you enjoy the potato चाट? तो यस, सबको पोटैटो चाट बहुत ही अच्छी लगती है। यस आई एंजॉय द चटपटा पोटैटो चाट। इफ देयर वर नो स्पाइस टू मेक द पोटैटो चाट, यहाँ पे सेवन, इफ देयर वर no spices to no spices to make the potato chaat feel on your
still on your tongue. तो आपकी टंग को कैसा फील होता है, क्योंकि टेस्ट हम किससे करते हैं, टेस्ट के लिए, क्या नोज से टेस्ट करते हैं? नहीं, नोज से तो क्या होती है, स्मेल आती है अच्छी सी, बट टेस्ट किससे होता है, तो टेस्ट हम टंग से करते हैं, तो जो भी इफेक्ट होगा एकदम खट्टा सा होगा, इस तरह से स्पाइसी होगा, स्पाइसी कर जाएगा, है ना, तो मीठा मीठा होता था, मजे ले लेके खाते हैं ना सब, चॉकलेट होती है, आइसक्रीम होती है, ठंडा लगता है, तो वो सारा क्या होता है कि हमें टंग से पता चलता है, ओके, तो वो किस तरह का, कि हाउ टू स्पाइस लेस एंड वेरी स्पाइसी थिंग्स फील ऑन योर टंग, तो जैसे रेड चिली अगर आपने खा ली, रेड चिली या ग्रीन चिली खा ली, तो किस तरह तीखा लगेगा, आवाज निकलती है ना, तो वो किस तरह का फील होता है, तो स्पाइसलेस थिंग गिव्स नो सेंसेशन, स्पाइसलेस थिंग गिव्स नो कैरम सीड दैट मींस अजवाइन फेनेल मतलब सौंफ एंड एसएफ़ोर्टिया दैट मींस
क्या कहते हैं, तो ऐसे फोर्टिका, ओके, ऐसे फोर्टिका दैट मींस ही। तो ये सारी चीजें हम डेली यूज में लेते हैं जो हमारे स्पाइसेस हैं, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि नाम अगर इंग्लिश में ना तो हमें पता नहीं चलता है कि क्या ये वही चीज है, ओके, इसलिए मैंने उसका हिंदी नेम भी लिखा दिया, जो भी मसाले उसको हिंदी में क्या कहते हैं। रिपीट कर देते हैं, टर्मरिक, हल्दी, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, क्लॉव, लौंग, सिनेमन, दालचीनी, कार्डेमम, इलायची, बे लीव्स मतलब तेज पत्ता, सैफ्रन दैट मींस केसर, क्यूमिन सीड्स मतलब क्यूमिन मतलब जीरा, मस्टर्ड मतलब राई, फेनेल मतलब सौंफ, फिर है कैरम सीड, कैरम सीड मतलब अजवाइन, एंड ऐसे फोर्टिका दैट मींस हींग, ओके। तो ये आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना है, मैं वर्कशीट में ये चीजें भी पूछ सकती हूँ, ओके। सो थैंक यू सो मच, आज का ये पीरियड मैं यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ, अभी नेक्स्ट पीरियड में हम नेक्स्ट चैप्टर 26 स्टार्ट करेंगे, तो थैंक यू सो मच।